हर आदमी का सपना होता है कि एक दिन वो अपनी खुद की कमाई से कार ले। यही कारण है कि भारत में अधिकतर युवा कार लेने की ख्वाहिश रखते हैं। हम आपकी ये आरजू तो पूरी नहीं कर सकते, मगर आपकी सपनों की कार बनते हुए जरूर दिखा सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे BMW और हुंडई जैसी कारों की फैक्ट्री में, जहां आप लाइव अपनी आंखों से पूरी की पूरी कार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो क्या आप हैं तैयार इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए? अगर हाँ तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करके इस सफर के हम सफर हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं इस कार फैक्ट्री की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले नंबर एक पर हम देखेंगे आखिर फैक्ट्री में BMW इंजन्स बनकर कैसे तैयार होते हैं। दोस्तों, अगर आप गाड़ियों के बारे में जरा भी नॉलेज रखते हैं तो ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि इस दुनिया में दौड़ रही अधिकतर गाड़ियां BMW की ओर से आने वाले इंजन का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। और कुछ गाड़ियों में तो पूरे का पूरा BMW इंजन ही फिट हो जाता है, तो कुछ में BMW इंजन के डिजाइन पर ही आधारित कॉपी इंजन लगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर इंजन ही तो हर गाड़ी का दिल है। इसके बगैर किसी भी गाड़ी का एक इंच भी चल पाना संभव नहीं होता। तो क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर इसमें ऐसा होता क्या है जो ये बंद पड़ी गाड़ी में जान फूंक देता है और गाड़ी फर्रांटे से दौड़ने लगती है? आइए चलते हैं इस फैक्ट्री में और जानते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों, कार इंजन बनाने का ये सफर शुरू होता है इस मेटल कास्टिंग फर्नेस से, जो मोल्टन स्टील को सांचों में ढालकर इंजन बॉडी को बनाकर तैयार करता है। और बनकर तैयार हुई इंजन बॉडी कुछ ऐसी दिखती है, जिसे फर्दर पानी के फव्वारों के बीच से गुजार कर साफ किया जाता है। साथ ही पिस्टन बैंड्स पर ल्यूब्रिकेशन कर फ्रिक्शनली साफट का मूवमेंट भी चेक किया जाता है। इतना हो जाने के बाद कार्यवाही शुरू होती है इंजन की असेंबलिंग की, जिसके लिए इस असेंबलिंग लाइन पर लाकर इंजन के तमाम कल पुर्जों को जोड़ा जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट को एक टेस्ट ट्रायल के बाद इंजन के लोअर एंड पर फिक्स किया जाता है। यहाँ बताते चलें कि क्रैंकशाफ्ट वही पुर्जा होता है जो पिस्टन के स्ट्राइक होने के बाद उत्पन्न हुई विस्फोटक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर एक्सल तक पहुँचाता है। इसके बाद बारी आती है इंजन में पिस्टन को इंस्टॉल करने की। वास्तव में ये वही पुर्जा होता है जो इंजन में स्ट्राइक यानी ठुकाई करता है। ये बेहद फ्री और स्मूथ मूवमेंट को फॉलो करता है, जिससे एनर्जी का एक्टिव कन्वर्सेशन हो पाता है और हमारी गाड़ी के चक्के घूम पाते हैं। एनीवेज, इसके बाद इंजन बॉडी के फाइनल मैकेनिज्म यानी स्पार्क रोड को फिक्स करने के लिए हॉर्स पर एडहेसिव अप्लाई कर इसे इंजेक्टर में लगा दिया जाता है और थोड़ी बहुत पॉलिशिंग के बाद बनकर तैयार होता है हमारा ये BMW इंजन। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं हुंडई कार की ये अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, हुंडई कार्स भारत में बेहद मशहूर है। इन्हें खासकर इनके रिलायबल और इफिशियंट इंजन के लिए भी जाना जाता है। कम बजट में भी सॉलिड और प्रीमियम लुकिंग गाड़ियां उतारना हुंडई की चुनिंदा खासियतों में से एक है। आइए अब जानते हैं आखिर हुंडई कार को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है हुंडई कार की फैक्ट्री में। हुंडई कार की मैन्युफैक्चरिंग का ये कारवा शुरू होता है स्टाम्पिंग की प्रोसेस से, जिसमें सबसे पहले बाहर से मंगाए गए प्रोसीड रॉ मटेरियल जैसे स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर और कुछ खास तरह के एलॉयज, रोल्स और शीट्स को तोड़ मरोड़ कर इस डाइज में डाला जाता है, जिसके बाद बनकर तैयार होती है हमारी गाड़ी की ये बॉडी। वैसे फिलहाल ये पूरी बॉडी होलो यानी खोखली है। इसमें कार के बाकी सभी पुर्जों और कंपोनेंट्स को लगाने के लिए हिंजिंग्स और कॉक्स को बराबर मात्रा में उभार रखा होता है। साथ ही बॉडी की हर डिटेल को कास्ट करने के लिए कटआउट्स भी दिए जाते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कार की इस बॉडी को तैयार करने के लिए पूरे 2600 टन का प्रेशर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है, जिसे 900 अलग अलग डाइस से गुजारने के बाद हासिल किया जाता है और तब कहीं जाकर मिलती है
हमें हमारी कार की बॉडी, इसके बाद हमारी कार की ये बॉडी एंटर करती है स्टेप टू में, जहां कार के तमाम स्क्रैप्स पार्ट या यूं कहें कि मेटल शीट्स और कटआउट्स को कार में बेल्ड किया जाता है। यहां चार अलग अलग फेसेस में बेल्डिंग का काम अंजाम दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले फेज में गाड़ी के बॉटम, फ्लोर, इंजन, कंपार्टमेंट के साथ बेल्डिंग टास्क को पूरा किया जाता है और बाकी के अगले टू फेसेस में ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म कार के टॉप बोनट और बैकवर्ड हिस्सों में बेल्डिंग पूरी करती हैं, जो बखूबी आप देख पा रहे हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी ये कार स्टेप टू को लांघ कर स्टेप थ्री में एंटर करती है, जो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल कार बॉडी की डेंटिंग एंड पेंटिंग होती है। यहाँ वास्तव में कार की बॉडी को रंगा जाता है, जिसमें एक लंबी चौड़ी केमिकल प्रोसेस शामिल होती है। खैर, इसके बाद नंबर लगता है स्टेप फोर का, जिसमें पार्ट्स और कंपोनेंट्स की असेंबलिंग होती है। इसके लिए एक 200 मीटर लंबी असेंबलिंग लाइन पर 250 से भी अधिक वर्कर मिलकर कार के अलग अलग पुर्जों को जोड़ते हैं। बता दें कि इन सभी कार पार्ट्स को पहले से ही अलग अलग फैक्ट्रीज से बनाकर तैयार कर लिया जाता है। यहाँ तो जस्ट इन सबकी असेंबलिंग होती है। इस दौरान कार के 10 या 20 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, जिसमें हमारी गाड़ी की सीट, डैशबोर्ड, इंटरनल कंट्रोल्स और यहाँ तक कि भीतर की सभी वायरिंग भी पूरी की जाती हैं। इसमें पहले ही इंजन और फ्यूल टैंक का पूरा टेक्निकल खत्म किया जा चुका होता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी कुछ ऐसी दिखने लगती है। यहाँ बाद में विंडो बैंड्स और डोर्स को भी जोड़ दिया जाता है, साथ ही कुछ एडिशनल पार्ट जैसे हेडलैम्प्स, लॉग लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, बैक व्यू कैम और साथ ही डैशबोर्ड के फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क को भी प्रोसेस के एंड में ही खत्म किया जाता है और अल्टीमेट स्टेप में हमारी गाड़ियों की फर्निशिंग की जाती है। इन्हें एक फाइनल और क्लासी लुक भी दिया जाता है, साथ ही व्हील्स, रिम्स और टायर्स को जोड़कर इन प्रोसेस का अंत किया जाता है और कुछ ऐसे बनकर तैयार होती है ये ब्रांड न्यू चमचमाती कार। तो दोस्तों, ये था कार मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सफर। आप कमेंट में ये बताना ना भूलें कि भला आपने कभी गाड़ी को आज से पहले बनता देखा था या नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपका टॉपिक तो लेंगे ही, साथ ही आपको शॉर्ट आउट भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय।